वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके। जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा, हमने हरियाणा जीके के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा का स्थापना दिवस कब है? ऑप्शन देखते हैं, 1st November 1967, 1st November 1968, 1st November 1966 एंड 1st November 1969। कब है? 1st नवंबर 1966। हमारा हरियाणा का स्थापना दिवस कब है? 1st नवंबर 1966। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा का राजकीय खेल क्या खेल है? ऑप्शन देखते हैं, कुश्ती, कैरम, चेस या शतरंज। क्या है राजकीय खेल हमारा? कुश्ती। क्या है राजकीय खेल? कुश्ती। नेक्स्ट देखते हैं, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा किस प्रांत का भाग था? ऑप्शन देखते हैं, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या पंजाब। किसका भाग था? पंजाब का। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय पश्चात हरियाणा किस प्रांत का भाग था? पंजाब का। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन देखते हैं, कैथल, अंबाला, गुहाल या पलवल। कहां से हुए थे? पलवल से। अप्रैल 1990 में गांधी जी हरियाणा से गिरफ्तार हुए थे। कहां पे हुए थे? पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं, गुड़गांव जिले में, भिवानी जिले में, यमुनानगर जिले में या सिरसा जिले में। कहां पाई जाती है? यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम भाग में, दक्षिणी पश्चिम भाग में या उत्तरी पश्चिम भाग में या उत्तरी पूर्वी भाग में। कहां पे होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में। कहां वर्षा अधिक होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऑप्शन देखते हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव या पानीपत या होटल। कहां से है? फरीदाबाद से। सोनू निगम का संबंध फरीदाबाद से है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, कुर्ता या कमीज या कामरी या अंगरखा। किस नाम से जाना जाता है? अंगरखा। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? अंगरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब शुरू की गई थी? राजीव गांधी बीमा योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन देखते हैं, 25 सितंबर 2002 या 2 अक्टूबर 2005, 1 अप्रैल 2006 या 15 अगस्त 2004 में। कब हुई थी? 15 अगस्त 2004 को। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना कब हुई थी? 15 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? हरियाणा में सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन देखते हैं, 1992 एंड 93 में या 94 या 95 में या 1996 में या 97 में या 98 या 99 में। कब हुई थी? 98 एंड 99 में सामुदायिक विकास योजना 1998 और 99 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय कहां पर रुके थे? गुरु तेग बहादुर शहादत दिल्ली जाते समय कहां पर रुके थे? ऑप्शन देखते हैं, गुरुद्वारा लखन बाजरा, गुरुद्वारा रोहतक, बंजी साहिब रोहतक, गुरुद्वारा महम। कहां रुके थे? गुरुद्वारा लखन बाजरा में। गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने दिल्ली गए थे तो कहां पर रुके थे? लखन बाजरा में, गुरुद्वारा लखन बाजरा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है? किशोरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, करनाल, गुड़गांव, पानीपत या होडल।
किशोरी महल हमारा होटल के अंदर स्थित है, होटल शहर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, सोनीपत, महेंद्रगढ़ या पानीपत, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर स्थित है? पानीपत में। यूरिया संयंत्र हरियाणा के पानीपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणवी में पहला उपन्यास कौन सा था? ऑप्शन देखते हैं, झाड़ू फेरी, प्रेम लहर या राजा रतन सेन या शाही लक्कड़हारा। पहला उपन्यास था हमारा झाड़ू फेरी। पहला उपन्यास क्या था? झाड़ू फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, झज्जर, रिवाड़ी, ब्रह्मगढ़ या महेंद्रगढ़। कहाँ पे है? रिवाड़ी में। सत्यनारायण की प्रतिमा मतलब मूर्ति रिवाड़ी, हरियाणा के रिवाड़ी शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? प्राचीनतम लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, झूमर या सांग या खोरिया या धमाल चौधरी। कौन सा है? सांग। हरियाणा का प्राचीनतम लोक नृत्य क्या है? सांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थित है? हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थित है, मतलब एनवायरमेंट कोर्ट जो होते हैं वो कहाँ पर है, कौन से जिले में? ऑप्शन देखते हैं, फरीदाबाद व हिसार, रिवाड़ी या महेंद्रगढ़, सिरसा व जींद या भिवानी व यमुनानगर। कहाँ पर है? फरीदाबाद व हिसार में। कौन सी जगह पे है? फरीदाबाद व हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं, शेख चिल्ली के मुकबरे को या गुजरी महल को या शाह विलायत के मकबरे को या दीनी मस्जिद को। किसको कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को। हरियाणा का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HSIDC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा स्टेट इनकम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। HSIDC की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, तिल्यार झील हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तिल्यार झील हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, हिसार, जींद, सोनीपत, रोहतक। कहाँ पे है? रोहतक में। तिल्यार झील हरियाणा के रोहतक शहर में स्थित है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।